दोस्तों, हमने आपको अभी तक की वीडियो में अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी के बारे में बताया है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपने कभी भी नहीं सुना होगा। दोस्तों, ये भविष्यवाणी एकदम सच्ची है। स्वामी श्री वीर ब्रह्मेंद्र जी महाराज ने आज से लगभग 1000 साल पहले भविष्य में होने वाली घटनाओं पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था काल ज्ञानम, यानी कि समय का ज्ञान। इस पुस्तक को स्वामी जी ने जमीन में गड़ा दिया और इसके ऊपर इमली का एक पौधा लगा दिया जो आज के समय में एक विशालकाय पेड़ का रूप ले चुका है। यह इमली का पेड़ लगभग 1000 साल से अपने नीचे बहुत सारे राज दबाए हुए है, लेकिन इस पुस्तक का छोटा सा अंश भी उपलब्ध है जिसमें कब कौन से दिन क्या होने वाला है सब कुछ डेट के साथ लिखा हुआ है। और दोस्तों, छोटे से छोटा भाग में जो भविष्यवाणी स्वामी जी ने की है वह 100% सत्य हुई है और आगे आने वाले समय के लिए भी जो लिखा है वह भी सत्य होना निश्चित है। उन्होंने अपने भविष्यवाणियों में भारत की बहुत सी सीक्रेट जगहों का जिक्र किया है जहाँ सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से ही बहुत कुछ छुपा कर रखा हुआ है। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, सूखा, ज्वालामुखी, सोलर फ्लेयर आदि के साथ ही तृतीय विश्वयुद्ध हिंदुओं का, दूसरे धर्म से युद्ध, हिंदुओं की आपस में लड़ाई, तानाशाही राजा का राज, भगवान कल्कि का आगमन, कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ आदि घटनाओं का जिक्र किया है। उनकी कुछ भविष्यवाणियां तो पहले ही सत्य हो चुकी है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, साल 2000 का सुनामी, कोविड-19, ऑटोमोबाइल का आविष्कार, सैन फ्रांसिस्को में 1992 में भूकंप, चाइना में सुपर टाइफून नीना जिसमें लाखों लोग काल के आगोश में समा गए थे, 1974 में बांग्लादेश में पड़ा सूखा जिससे बहुत से लोग मौत के मुंह में समा गए थे, अंग्रेजों का भारत पर राज करने की भविष्यवाणी, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, माता द्वारा बच्चों की हत्या, खाद्य पदार्थों में मिश्रण, सार्स वायरस, पाकिस्तान में भूखमरी आदि, ऐसी उनकी सत्य होती हुई भविष्यवाणी को देखकर भारत सरकार भी हैरान हो गई है और अब इमली के पेड़ के नीचे से किताब को निकालने की तैयारी चल रही है। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखी गई है जिसका हिंदी में अनुवाद करके कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां हम आपको इस सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मेंद्र स्वामी का जन्म चोल राजवंश के पतन के समय लगभग 9वीं शताब्दी से पहले आंध्र प्रदेश के कड़ापा जिले में हुआ था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 1608 में हुआ था। कुछ लोग इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि कलयुग के अंत में जब पाप, अधर्म, अत्याचार आदि बढ़ जाएगा तब भगवान कल्कि के रूप में वे फिर से आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने आंध्र प्रदेश के कड़ापा जिले में जीव समाधि ग्रहण कर ली थी, अर्थात उन्होंने जिंदा ही एक गड्ढे के अंदर समाधि ले ली थी। इसलिए स्वामी जी के भक्त मानते हैं कि वे आज भी जिंदा है और तपस्या में लीन है। इन्होंने तेलुगु भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है काल ज्ञानम, जिसमें देश दुनिया को लेकर 14,000 भविष्यवाणियां लिखी गई है। इन भविष्यवाणियों को गोविंदा वाक्य भी कहा जाता है। काल ज्ञानम ग्रंथ की भविष्यवाणी कहती है कि भगवान कल्कि का जन्म तेलुगु वर्ष विश्व बसु 1965-66 में आंध्र प्रदेश राज्य में हो चुका है। उन्होंने भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, वीर अर्जुन, दत्तात्रेय, विश्वेश्वर स्वामी व अन्य संतों के द्वारा बद्री का वन में धर्म दर्शन शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। भगवान शिव ने उन्हें एक घोड़ा देवदत्त, एक तोता सुख, एक तलवार रत्न स्वरूप, एक धनुष व पशुपतास्त्र भी दिया है। वह सितंबर 2009 से ही अच्छे लोगों की रक्षा और बुराई का अंत करना शुरू कर चुके है। दोस्तों, भगवान कल्कि ने आंध्र प्रदेश में देवी कनक दुर्गा के मंदिर का दौरा किया था और विक्रम संवत 2001 में उन्होंने विवाह कर लिया था। सितंबर 2009 से पहले भगवान कल्कि ने 3 बार चेन्ना केशव स्वामी मंदिर यानी कि कुंभकोणम, कालहस्ती आदि मंदिरों का दौरा किया है और जिस दिन इन मंदिरों का दौरा करना बंद कर देंगे उस दिन ये मंदिर स्वतः ही गिर जाएंगे। दोस्तों, काल ज्ञानम की एक सीक्रेट भविष्यवाणी में बताया गया है कि दिसंबर 2004 में गुजरात राज्य में सुनामी आई थी
और जनवरी 2001 में भूकंप आया था, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए थे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों ही कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये दोनों घटनाएं मानव निर्मित थी। इनका लक्ष्य भारत को बर्बाद करना था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और न्यूजीलैंड ने 1940 से 1980 के बीच में कुछ परीक्षण किए थे और उसी से उन्होंने सुनामी बम बना लिए हैं। यह तो सिर्फ एक नमूना है, लेकिन अब जो भूकंप और सुनामी आएगी उसमें भारत के पूर्वी तट की भूवैज्ञानिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी, यानी दक्षिणेश्वर श्रीलंका तक लगभग 80 मील पानी पीछे चला जाएगा, जिसकी वजह से कई हिंदू मंदिर जो पहले जल में समा गए थे वे दिखाई देने लगेंगे व कई ऐसे मंदिर भी होंगे जो जल में समाहित हो जाएंगे। दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।